बेतिया जिले के बगाहा में उज्जैन इंजिकान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट पर जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। जिला खनन अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। इस दौरान गिट्टी और बालू स्टॉक की जांच कर नोटिस भी थमाया है। खनन पदाधिकारी ने स्टॉक का लाइसेंस नहीं होने और सभी खनिज पदार्थ के कागजात देने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी है। वहीं विभाग ने मिक्सिंग प्लांट को फिलहाल जब्त कर लिया है। लीगल है या नहीं है उसको वेरीफाई करेंगे। सत्यापन किया जा रहा है जो खनिज पदार्थ। बस बस झमेला में फंसे हैं। मान लीजिए सामान उसको भी लाकर कोई प्लांट सील भी किया गया सर। दिखाना है ना काम के लिए। नहीं अभी जब्त किया गया। 3 दिन का टाइम उनको दिया गया है कि अपना सारा पेपर डॉक्यूमेंट जमा करें। पेपर यदि जमा कर देते हैं ये कर दिया जाएगा। 3 दिन के लिए उनको किया गया। यहाँ मंगलपुर बघा में क्या पाया गया है? पाया गया क्या किया गया है? अभी मेजरमेंट किया है। इनका पेपर चेक करेंगे। वर्क डिपार्टमेंट में जाएगा पेपर ओरिजिनल है। बता दें कि उज्जैन इंजिकान वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह की कंपनी है। प्रशासन की छापेमारी के बाद विधायक और उनके पिता ठेकेदार हरिंद्र किशोर सिंह समेत प्लांट कर्मियों में हड़कंप मचा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।